आजमा फल्ला एक बार फिर से भड़क गई है आयशा खान पे और उन्होंने आयशा को टॉन्ट कसते हुए कहा कि बिग बॉस वालों की चाट कर यहाँ तक पहुँची है तो क्या है पूरी डिटेल आइए जानते हैं। आपको बता दें कि किस तरह से मुनव्वर फारूकी को डिफेम करने के लिए मेकर्स ने आयशा खान की शो में एंट्री करवाई मुनव्वर को एक्सपोज करने के लिए। हालांकि फिर आयशा आई तो थी बड़े ही ताव में कि बहुत बड़े बड़े उन्होंने मुनव्वर पे एलिगेंस लगाए, लेकिन फिर बाद में आयशा जो है वो थोड़ी ठंडी पलते नजर आई और उनकी बॉन्डिंग मुनव्वर के साथ बनते हुए हमें नजर आई। लेकिन सोशल मीडिया पे इस पे कंटिन्यू रिएक्शन आ रहा था, बहुत से फैंस ने आयशा को ट्रोल किया, एलिगोरी मुनव्वर फारूकी के करीबी दोस्त है जो कि लॉकअप में भी आ चुके हैं, बिग बॉस के विनर भी बन चुके हैं प्रिंस नरुला, वो बिग बॉस OTT सीजन 2 के रनर अप अभिषेक मल्हन, राजीव अदाथिया, मतलब कई कंटेस्टेंट ने मुनव्वर को सपोर्ट किया, आयशा को लथाड़ा है। तो इसी पे मुनव्वर फारूकी की दोस्त लॉकअप की दोस्त अजमा फल्ला ने इससे पहले भी एक वीडियो के जरिए मुनव्वर को सपोर्ट किया था और आयशा पे निशाना साधा था। और आज अजमा फल्ला अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट शेयर करते हुए लिखती है कि ये आयशा जो है वो बिग बॉस वालों की चाट कर यहाँ तक पहुंची है और वो अब अंकिता को भी ये सब सिखा रही है। दरअसल होता ये है कि एक फैन ने वीडियो शेयर की थी जिसमें अंकिता और आयशा दोनों बात कर रहे थे उनके पैर क्यों लेके। इसी पे अंकिता कहती है आयशा को, भाई तुम्हारा पैर कितना अच्छा है। तो आयशा कहती है कि हाँ इतना अच्छा है जिसे मैं चाट भी सकती हूँ। तो भाई अंकिता कहती है तुम चाटो मुझे नहीं चाटना। तो इसी पे आजमा कहती है कि ये तो बिग बॉस वालों की चाट कर पाँव चाट कर यहाँ तक पहुंची है और अब अंकिता को भी सिखा रही है कि भाई तुम भी चाटो। तो इन्हीं सब बात को लेके आयशा खान पे एक बार फिर से आजमा ने निशाना साधा है। वेल, आप क्या कुछ कहते हैं इन सब पे? आजमा फल्ला के बाद से आप कितने सहमत हैं? आपको क्या लगता है आजमा जो कुछ भी आयशा के लिए कह रही है क्या वो सही है? कॉमेंट्स में हमें बताएं और भी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें गपशप को।